हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का 10 हो रहा है, मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है। बेटू गई है ड्राइंग क्लास, हस्बैंड तो मॉर्निंग शिफ्ट था तो वो सुबह ही चले गए हैं ड्यूटी। और मैं अभी जुगू को खिला रही हूँ खाना। तो अभी 10 बज रहा है, तो अभी सेकेंड टाइम हो रहा है उसका मील 10 बजे। और मतलब उसका मील उसके हिसाब से शुरू होता है, जब भी उसका टाइम होता है, वो कैसे उठता है, कितने बजे उठता है उसके हिसाब से। तो अभी बेटू जैसे कि नहीं है, तो मेरा काम भी हो चुका है, तो मैं अभी उसके साथ खेल रही हूँ और उसको खाना खिला रही हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, पर बेटू अभी बाकी है क्योंकि उसका क्लास 9 बजे से स्टार्ट होता है और वो थोड़ी देर पहले ही उठा था तो दूध पी के चला गया है। अभी वो आएगा तो उसके लिए कुछ बनाऊँगी, उसको दे दूँगी। अभी बस उसको आने का देर है। और अभी डुगू बेबी खा रहे हैं खाना। और देखिए, जब भी वो खुश होता है ना, तब ये ऐसा करता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हाथ ऐसे क्लैप करता है और हंसता है। तो अभी वो बहुत खुश है, मतलब मूड फ्रेश है, उसका नींद पूरा हो गया है, तो इसीलिए मतलब खुश है। अगर नहीं होगा ना तो इतना चिल्लाता है अभी, मतलब चिल्लाना सीख गया है, पुकारना भी सीख गया है। मतलब बस आँखों से, उसके आँखों से दूर हो तो बस वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, ऐसा करता है। अभी तो वो चाहता है कि हर वक्त मेरे आँखों के सामने कोई ना कोई रहे, तो बेटू होता है तो मैं आराम से काम कर पाती हूँ। तो चलिए, अभी बेटू आ चुकी है और मैं उसके लिए पैनकेक बना रही हूँ। तो बनाना था तो सोचा चलो बनाना पैनकेक बना देती हूँ। और पैनकेक मतलब नॉर्मल सा जो गोला रोटी हम लोग बनाते हैं ना आटे से, वैसा ही है। बस मैं इसमें सिर्फ बनाना ऐड करूँगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और अंडा वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आटा ले लिया है, मैस्ट बनाना ले लिया है और दूध डाल दूँगी। ये बनाना बहुत ही मीठा था तो इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बेटू को ना पैनकेक हनी के साथ खाना अच्छा लगता है, तो बाद में मैं ऊपर से हनी दे देती हूँ तो ऐसे वो मीठा हो जाता है। तो शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो चलिए, इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक बैटर बना लेते हैं और फिर इसको हम तवे में दे देंगे। तो आप ये बटर या फिर घी से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी तवे में, उससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं भी कभी कभार बना के खा लेती हूँ बेटी के साथ। तो ये देखिए, हमारा पैनकेक एकदम रेडी हो चुका है। दूसरे साइड से भी मैं पका लूँगी इसे। और अभी ऊपर से मैं हनी ऐड कर दूँगी। बस ये एकदम पैनकेक खाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए, अभी मैं बेटू को ये दे दूँगी और फिर लंच का भी प्रिपरेशन करना बाकी है, क्योंकि बेटू आई है 10:30 बजे। तो ये बनाई हूँ तो 11:15 लगभग हो चुका है। और इधर देखिए, मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। और आज बनाना से ही मैं और एक रेसिपी बनाऊँगी दोपहर को, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बनाना था 2 दिन पहले रॉ बनाना, तो उसका मैं आज कोफ्ता बनाऊँगी। बहुत दिनों से कोई भी कोफ्ता नहीं बनाया है, लौकी का हो या फिर जैकफ्रूट का हो। ऐसे जैकफ्रूट हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, क्योंकि जैकफ्रूट खाने से पूरा अंग में दर्द हो जाता है, तो बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दाल चढ़ा रही हूँ कुकर में, तो उसी के साथ मैं ये बनाना भी बॉईल कर लूँगी। पर अगर आपके घर में गेस्ट आए तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि दाल जो है बिल्कुल काला पड़ जाता है। मेरा भी दाल एकदम काला पड़ गया था बनाना बॉईल करने की वजह से। कोई बात नहीं, हम घर में खाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बनाना और एक पोटैटो भी दिया था तो वो निकाल लिया है और पील भी कर लिया। अभी इसे मैं मैश कर लूँगी। अभी इसमें एक एक करके मैं सारे पाउडर मसाला, जीरा, धनिया, गरम मसाला, फिर कटा हुआ अनियन और मिर्च, आपके पास अगर धनिया पत्ता हो तो वो भी डालो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा टेस्ट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और सॉल्ट और 2 चम्मच बेसन, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा बेसन नहीं डालूँगी, ज़्यादा बेसन डालने से क्या होता है, वो कभी कभार हार्ड भी हो जाते हैं अंदर से, तो खाने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वो एकदम अभी क्या होगा, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। धीमे आंच में इसे फ्राई करना है। कढ़ाई में मेरा ऑयल कम था, मैं बाद में इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और इसे एकदम हल्के हाथ से पलटना है, जो पकौड़ाज है या फिर कोफ्ताज है, जो भी बोलो। तो वरना क्या होगा, ये टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। और धीरे धीरे जितना पकेगा वैसे वो ऊपर से हार्ड होता जाएगा।
तो कोफ्ताज मैंने सारा फ्राई कर लिया है। अभी बाकी का ऑयल में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो यहाँ पे है दालचीनी है, एक इलायची है, दो लौंग डाला है मैंने, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें अभी मैंने प्याज भी डाल दिया है, प्याज फ्राई होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अभी मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। अभी डालना है इसमें सारे जो पाउडर मसालास हैं, वो जीरा, धनिया, मिर्च, काश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा कलर के लिए, अच्छा लगता है। और अभी मैं इसे क्या करूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया है मसाले से, तो अभी इसमें मैं डालूँगी पानी और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये बहुत ही एक टेस्टी खाना था, मतलब बहुत ही टेस्टी बना था। और वो जो कोफ्ता मैंने फ्राई किया ना, वो ऐसे भी खा सकते हो, इतना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने बहुत दिन बाद कहता है ना कि बहुत दिनों बाद जो भी आप ट्राई करोगे या फिर बनाओगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर दिया है, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और धनिया पत्ता हो तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए, तो और भी अच्छा लगेगा। पर जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास था नहीं। और अभी देखिए मेरा दो बच्चे नहा के रेडी हो चुके हैं, अभी इन दोनों को मैं खाना खिलाऊंगी। और मैं एक बार भी आप लोगों के पास इस बार नहीं दिखी, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और मैं भी अभी नहाऊंगी, पहले इन दोनों को मैं लंच करवा दूँ, फिर तो डुगू को भी मैं अभी राइस देने वाली हूँ। और अभी वो अपनी दीदी के साथ खेल रहा है, और वो जो टीशू का बैग है ना, वो मार मार के खेल खेल के उसका हालत एकदम बिगाड़ दिया है उसने। मतलब टीशू कभी भी सूख सकता है, ऐसा हालत बना दिया है। यहाँ पे मैंने सलाद भी रेडी कर दिया है। और अभी बज रहा है 3 और हम लोग करने वाले हैं लंच। तो हमारा आज का भेज स्पेशल थाली तैयार है। ये कल का बनाया हुआ सांभर है, परवल भी मैंने फ्राई किया था, और कोफ्ता, थोड़ा सा कोफ्ता फ्राई भी रख दिया था, और सलाद। तो चलिए गाइस, हम करते हैं लंच और इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।